वेलकम टू मार्क्सी क्लासेस माय नेम इज पुनीत सिंह गहलोत एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेसिकली थ्योरी तो काफ़ी सारी आई एंड गई मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी थ्योरी जो है थ्योरी होती है उसका कोई प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन तो नहीं होता वैसे पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है लाइक केमिकल बॉन्डिंग ले लो या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ले लो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले इसके थोड़े हम एजम्सन पर हाईलाइट कर लेते हैं इसके अजम्सन क्या थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली इट अज्यूम इट अज्यूम्स द इंट्रैक्शन बिटवीन द इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली आइनिक मतलब तो ये क्या मान के चल रही थी कि मैटर और लिगेंड के बीच में जो इंट्रक्शन होगा वो प्योरली क्या है आइनिक है तो सबसे पहले वाली सबसे पहली बात जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये टेक लिया गया था कहा से सोलिड स्टेट फिजिक्स से टॉपिक लिया गया था सोलिड स्टेट फिजिक्स स्टेट फिजिक्स से लिया गया था तो ये सोल स्टेट फिजिक्स में क्या है तो आयनों का ही खेल है तो इसलिए क्या है अज्यूम दैट इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लीगेंड इज प्योरली आयनिक सेकेंड ऑप्शन क्या था इट थाज द लीगेंड इज द इज पॉइंट चार्जेस एंड मेटल इज टैक्स चार्जेस बेसिकली क्या करती थी लीगेंड को पॉइंट चार्जेस मानकर चल रही थी और मेटल को टैक्स चार्जेस विच इज सिचुएटेड इन जो कहां पर थे विच इज सिचुएटेड इन यूनिवर्स च इज सिचुएटेड इन यूनिवर्स थर्ड एक्जन इट डील्स विद स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इट डील्स विद स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ये किसके साथ डील करती थी डी ऑर्बिटल ये क्यों नहीं ये एस के क्यों नहीं ये पी के एस और पी के साथ क्यों नहीं डील कर रही थी वो भी हम आग, आगे समझेंगे बट अभी के लिए इट डील्स विद स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ एक्जैक्टली वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट नोट अबाउट नोट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये नहीं बता बट एग्जेक्टली वैल्यू किसका मैग्नेटिक मूवमेंट का बता रही थी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है तो ये कुछ अजमसन थे जिसपे टिकी हुई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाउ वी टॉक अबाउट इसके बारे में अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें फील्ड को ही समझना होगा व्हाट इज द फील्ड मतलब फील्ड का क्या क्या रोल था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर इसके फील्ड का रोल समझ में आ गया तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आ गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में किसके बारे में समझेंगे पहले हम फील्ड के इसका टाइप्स ऑफ फील्ड टाइप्स ऑफ फील्ड ठीक है तो टू तो टाइप्स के फील्ड है एक होता है हमारा फार फील्ड और दूसरा होता है हमारा नियर फील्ड फार फील्ड सिमिट्रिकलीमेट्रिकली बोलो या स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नियर फील्ड हमारा लीगेंड सिमेट्री होता है ये कैसा होता है लीगेंड सिमेट्री मतलब लीगेंड इस लीगेंड पर डिपेंड करता है कि नियर फील्ड हम किधर से लाना चाहते हैं नियर फील्ड बताएगा कि हम लीगेंड को किधर से लाना चाहते हैं तो लीगेंड सिमेट्री डिपेंड्स ऑन कर देते हैं डिपेंड्स ऑन लीगेंड सिमेट्री ठीक है ये क्या होता है सिमिट्रिकली बोल लो या इसको स्पेरिकल सिमिट्रिकल बोल लो ठीक है फार फील्ड के बारे में सबसे पहले फार फील्ड को समझते हैं फार फील्ड को बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं हम एग्जाम्पल देकर जैसे सपोज दैट मैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी माता जी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड से सपोज दैट मेरे पास माता जी का फोन आता है माता जी पूछती हैं सन की पोजिशन क्या है बेटा तो सन की पोजिशन को मैं बताऊँगा कि माता जी जस्ट ऊपर है मेरे मैं माता जी से पूछूँ अपनी कि सन की पोजिशन क्या है तो बेबी एग्जैक्टली बताएँ कहाँ जो पोजीशन मुझे दिख रही होगी वही माताजी को दिख रही होगी तो बेसिकली क्या है फार फील्ड में हम लीगेंड को मेटल से अगर कोरिलेट करके समझते हैं तो मेटल से कोरिलेट करके जब हम समझते हैं तो मेटल लीगेंड मेटल को एक जैसा दिखाई देता है अगर फार फील्ड एक्सपीरियंस करता है तो यानी ये करता है इक्वली एक्सपीरियंस्ड इन ऑल डायरेक्शन फार फील्ड में क्या होगा इक्वली एक्सपीरियंस्ड इन ऑल डायरेक्शन अभी ये क्या है क्रिस्टल फील्ड का बेस तैयार हो रहा है ताकि फिर स्प्रेटिंग में तो कुछ है ही नहीं अगर ये समझ समझ में आ गया तो इक्वली एक्सपीरियंस होगा इन ऑल डायरेक्शन नियर फील्ड इसको एग्जाम्पल्स जैसे सपोज दैट ये मेटल आया है मेरा ठीक है यहां कहीं यूनिवर्स में लीगेंड है ये लीगेंड है मेरा जिसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ पॉइंट चार्ज मान के चल रहा हूं और ये मेरा मेटल टैक्स टैक्स चार्ज मान के चल रहा हूँ इसको मैं ये मैं नहीं मान रहा हूँ ये बुक्स मानती हैं ठीक है थीके? तो जब ये मेटल है इक्वली स्थेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोल रहा हूँ मैं इसको तो ये सब ओल्ड डायरेक्शन से कैसा होगा इक्वली एक्सपीरियंस करेगा किसको लीगेंड को ठीक है यहाँ लीगेंड है तो ये क्या करेगा ओल्ड डायरेक्शन से सबको एक जैसा ही दिखाई देगा ऐसा बोल सकते हैं ठीक है यानी कि कहीं से भी आ सकता है जब दूर फील्ड दूर इस यूनिवर्स में है यूनिवर्स में मेटल भी है लीगेंड भी है तो अगर इक्वली एक्सपीरियंस कर रहा है तो ऐसा लगेगा मेटल को भी जैसे ये मेरे चारों तरफ मौजूद है ठीक है नेक्स्ट आते हैं नियर फील्ड पे नियर फील्ड नियर फील्ड में क्या होगा नियर फील्ड जैसे मैं क्लास में हूँ सपोज दैट मेरे सामने स्टूडेंट हैं मैं उसको क्या करना हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब मैं एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ वो मेरे पास में है तभी मैंने अपनी निगाह थोड़ी सी घुमाई दूसरे स्टूडेंट को देखने लगा तो उसको क्या पता चल जाएगा कि किस मतलब किसको देख रहा हूँ एक्जैक्टली मैं ठीक है तो नियर फील्ड क्या करेगा वो हम हमें डिपेंड करेगा कि लीगेंड को हम किधर से लाना चाहते हैं यानी लीगेंड हमें बताएगा कि मैं किधर किस डायरेक्शन में अप्रोच करूंगा वो डिपेंड करेगा डी ऑर्बिटल की सिमेट्री पे उसको भी देखेंगे आगे अभी नियर फील्ड क्या करेगा डिपेंड्स ऑन लीगेंड सिमेट्री लीगेंड डायरेक्शन बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन लीगेंड डायरेक्शन नाउ इन सी एफ टी बेसिकली टू टाइप के इंट्रक्शन होते हैं कौन कौन से प्राइमरी इंट्रक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रक्शन, टू टाइप्स इंट्रक्शन, फर्स्ट होता है प्राइमरी इंट्रक्शन एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी इंट्रक्शन इन In प्राइमरी ये कैसा होता है हमारा अट्रैक्शन टाइप का कैसे टाइप का अट्रैक्शन टाइप वो अट्रैक्शन किस किसके बीच में होगा मेटल और लीगेंड के यानी कि प्राइमरी किसके किस टाइप का है अट्रैक्शन टाइप का और अट्रैक्शन किन किन के बीच में है मेटल एंड लीगेंड सेकेंडरी इंट्रेक्शन रिपल्सन टाइप का होगा रिपल्सन किस किसके बीच में होगा ये मेटल डी ऑर्बिटल मेटल डी ऑर्बिटल एंड लीगेंड निगेटिव चार्ज सिकली डी ऑर्बिटल में कौन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड के निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा एंड प्राइमरी इंट्रैक्शन सेकेंडरी इंट्रेक्शन कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्राइमरी इंट्रेक्शन जितना अच्छा मेरा प्राइमरी इंट्रेक्शन होगा उतना मेरा सेकेंडरी इंट्रेक्शन होगा ठीक है ना अब आपके फेवरेट टॉपिक पर आते हैं जो आप बेसिकली पढ़ते ही हो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल वो कैसे होती है इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स तो उसको समझने की कोशिश करते हैं लॉर्ड फॉर्मेशन ऑफ टॉपिक होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस formation of octahedral complexes ठीक दिस इज द हेडिंग तो ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली बनता कैसे है देखते हैं क्योंकि मैंने पहले कहा था ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी किससे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ली हुई थी तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं हम डील करते हैं किसके साथ बोहाइड के साथ मतलब मेटल आयन जो होता है वो हमारा बोहाइड में प्रेजेंट होता है तो मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे

टल कॉम्प्लेक्स में वो फेस से अप्रोच करेगा कहां से करेगा फेस सेंटर से और क्यूब में कितने फेस होंगे छह सिक्स फेस होते हैं ये कौन सा फ्रंट वाला फेस हो गया ये मेरा बैक वाला फेस हो गया इसको ऐसे समझ सकते हैं सपोज दैट ये बीच में मेटल आयन है एक ये अबब है एक ये नीचे है एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है ऐसी एक फ्रंट में होगा और एक बैक में होगा ठीक है तो लिगेंड जो करेगा वो कहाँ से अप्रोच करेगा फेस सेंटर से और फेस पे कौन सी एक्स एक्सिस होती है ये एक्सिस हमारी प्रेजेंट है ये हमारी सपोज दैट एक्स एक्सिस है ये बाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है ठीक है तो तीन ही एक्सिस होंगी तो ये तो हमें पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होगा वो लीगेंड मेरा अप्रोच करेगा कहां से करेगा एक्सिस से तो एक्सिस से अप्रोच करेगा तो अब मुझे थोड़ा वो जानकारी किसकी होनी चाहिए डी ऑर्बिटल की सिमेट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए डी तो ऑर्बिटल कैसे होते हैं मेरे फाइव टाइप्स के डी ऑर्बिटल होते हैं कौन-कौन से dx y अगर ये मेरी x है ये y है तो dx एक्स की सीमिट्री कैसी होगी कुछ ऐसी ठीक इसी टाइप से dy dz होगा by जेड मान लेता हूं इसको बाई मान लेता हूँ तो इसको जेड मान लेता हूं वैसे तो थ्री डी में दिखाया जाता है बट बोर्ड पर पे दिखाने का तरीका यही है ठीक डी वाई जेड हो गया यहां पे हो जाएगा डी जेड एक्स देखने में तीनों एक जैसे लगेंगे क्योंकि ये वैसे भी इंटरकन्वर्टेबल होते हैं तीनों के तीनों बट एक्सिस इसका डिफरेंस है फोर्थ कौन सा होता है हमारा अगर ये वाई है ये एक्स है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ कौन सा होगा हमारा